अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे, क्योंकि मेरी खाला आई है मुझे लेने के लिए। तो मेरे पास बहुत टाइम कम था, तो मैंने कहा चल अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर लिया, तो वहाँ जा के करते हैं आपसे बातचीत। मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। ये पप्पो की, वो सारी खाला की बेटी है जवेरिया, और ये अलमीरा। तो आ चुके हैं अभी अभी अम्मी के घर पे हम। बताओ, अस्सलाम वालेकुम। चलो इच्छु थाम करो, भाई को थाम करो, दोनों बिछड़े हुए। चलो आगे आओ, आ गया। चलो 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 चलो, शिफ्टिंग ऐसा लग रहा है हमारे घर की शिफ्टिंग हो रही है। सलाम, क्या कर सर? हैदराबाद की गजक और बहुत टेस्टी होती है, कराची में इस तरह की नहीं मिलती। अब हम चाय और समोसे निकाल रहे हैं। ओह माय गॉड, समोसे वगैरह बनाए हैं। अजान भी पीनी चाय? जी जी, हम अजान के लिए भी निकाल। शेफ आ चुके हैं किचन में कढ़ाई बनाने के लिए, तो चले बिस्मिल्लाह करें। चले काशी भाई बिस्मिल्लाह करें। काशी भाई की रेसिपी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बना के दिखाएंगे चिकन कढ़ाई। इंशाल्लाह किया के दोस्तों को बहुत अच्छी लगेगी। नो डाउट, काशी भाई बहुत अच्छी बनाते हैं। आप शुरू हो जाओ, ये मुंह पे आया ना ठीक। हम हमने उसमें डाल दिया अदरक लहसुन, ऑयल लिया हमने। ऑयल मुझे इसमें कम लग रहा है, हम थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड किया है, अब थोड़ा सा ऑयल हम उसमें और डालेंगे, मुझे ऑयल इसमें कम लग रहा है। में काशी भाई ने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है। और अब इसके अंदर चिकन डालेंगे, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। अच्छा, जो जो इसको देख रहे हैं वो इसको गौर कर लें, देख लें हमने चिकन कितनी मिक्सर तकरीबन इसमें 2 किलो चिकन है और 2 किलो उसमें 1.5 किलो टमाटर है। ये लाजमी इतना रखें कि अगर 2 किलो ले रहे हैं चिकन, तो आप 2 किलो इसके अंदर टमाटर 1.5 किलो। तब ये इसमें काशी भाई ने चिकन डाली, उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हाँ, और इनको हटा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना ये भी फ्राई हो जाएंगे साथ में। ये डालें आप, देखिए चिकन को आप अच्छी तरीके से धोने के लिए। सही है, अच्छी तरीके से, बहुत मैंने धोई है अच्छी तरह। आप टेंशन नहीं लेगा इसे। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जब हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो थोड़ी हल्की लाइट ब्राउन करेंगे। ये इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन, वही कलर चेंज हो जाएगा ना, कलर चेंज हो जाएगा इसका। और फिर हम इसको चिकन को निकाल के, शेफ आप चला नहीं रहे बातें, आप समझ खड़े हैं, आप हमारे काम में मिक्स करेंगे। अगर ब्लॉग खराब नहीं करें ताकि आपके व्यूअर्स को पता चले कि हम कितने अच्छे हैं, मतलब घरेलू ब्लॉग है ना आपका। यस बेबी, पता चले कि अच्छे ब्लॉग के जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल। अच्छा, एक पिया की अम्मी के घर हम जब भी कोई मेहमान आता है ना, काशी भाई ही बनाते हैं। काशी को ही हायर किया जाता है कढ़ाई के लिए। मामू आएंगे तो काशिफ कढ़ाई अच्छी बनाता है, कोई खाला आएंगी तो काशिफ कढ़ाई अच्छी बनाता है, या तो ये मेरे को पागल बनाती है। बात तो सही है, दौड़ा सोचेंगे ये काशिफ की रेसिपी से हमारी कढ़ाई ऐसी बनी। लेकिन आप लोग जितनी भी कोशिश कर ले, आप मेरे जैसी कढ़ाई नहीं बना सकते। आपको बता देंगे, लेकिन आप टेस्ट जैसा नहीं ला सकते। जाओ, वो भी जा रहे जाओ।
कि भाई हमने इसके अंदर टमाटर इसमें डाल दिए हैं। हाँ, और चिकन आपने निकाल दी है। चिकन निकाल दी है। सही है। चम्मच डाल दे। अच्छा, तो अब इसको ढक देंगे, जब थोड़े टमाटर नरम होंगे तो उनके छिलके उतार लेंगे हम। ओके, हम तवे पे हमने डाला साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा, इसको हम भून लेंगे, हल्का हल्का भून लेंगे, ठीक है, ताकि हम ये ऊपर कढ़ाई के ऊपर कूट के कढ़ाई के ऊपर हल्का हल्का डालेंगे, बीच में भुनाई के टाइम पे हम थोड़ा सा ये डालेंगे। और अभी काशी भाई ने ये काशी भाई जायफल है जी, ये जायफल डालिए और ये हम घर के मसाले ऐड करेंगे इसके टेस्ट के लिए। वो कढ़ाई मसाला भी हम डालेंगे, लेकिन थोड़े से हम कढ़ाई मसाला डालेंगे काशी भाई। और थोड़े घर के मसाले में ये है कि जायफल को उन्होंने कूट लिया है अच्छी तरह, और कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है और नमक है। ओके, और फिर कढ़ाई पैकेट है। टमाटर की पूरी बन चुकी है, अब काशी भाई इसके अंदर डाल रहे हैं चिकन। अभी वो गए हैं मुंह में कुल्ली करने, क्योंकि उन्होंने दवाई रखी हुई थी, उनके दाढ़ पे दर्द हो रहा था, तो वो अभी कुल्ली करने गए। हमने डाल दी इसमें चिकन, चिकन ये हमने घर के मसाले जो बनाए थे वो हमने मेरा मोबाइल इतनी जोर से गिरा है ना, अभी ये सालन कढ़ाई में जाता है और कढ़ाई में बनती है आईफोन की कढ़ाई, चूल्हे पे इतनी जोर से गिरा है, बच गया वो तो नहीं। तो ये कढ़ाई पैकेट डाल दिया है काशी भाई ने, घर के मसाले से पहले डाले थे, अब ये कढ़ाई पैकेट डाला है, समझे ये पूरा, मतलब ये पूरा है काशी भाई, ये पूरा डाला है हमने। मैं कढ़ाई को स्लो पोजीशन में इसलिए लेके चल रहा हूँ, जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने ये खानी है वो बाहर अपनी शॉपिंग के लिए चेजअप गए, वो सामान लेकर रिटर्न होंगे, तब तक हम इसको स्लो स्लो तैयार कर देंगे। सही है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो काशी भाई आपने हरी मिर्ची और दही डाली है जी, ठीक है। तो आप जब काशी भाई को भूने तब तक मैं वीडियो बनाती हूँ, आप इसको भूने। बुनाई पे आ गया हूँ। सही है, बुनाई पे आ गए हम, हमने दही ऐड कर दिया इसके अंदर, अब इतने मजे की टेस्टी कढ़ाई लग रही है, ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसकी बुनाई में लगेंगे। तो गाइस अभी हमारी कढ़ाई रेडी हो रही है, तो मैंने कहा आपको बताते चले, आज अम्मी की बर्थडे 1 जनवरी को आती है अम्मी की, तो हम 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं, 12 बजे के बाद फर्स्ट लग जाती है और न्यू ईयर भी स्टार्ट हो जाएगी, तो हम हर साल अम्मी की बर्थडे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सेलिब्रेट करते हैं, तो इस साल भी हम करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। तो देखते हैं अब कौन ला रहा है केक। अभी दोनों सिस्टर गई हैं गिफ्ट लेने के लिए, मैं तो लेकर आ गई थी, अब दोनों गई हैं मेरी सिस्टर गिफ्ट लेने के लिए, तो अभी चले मैं काशी भाई की हेल्प करवा दूँ, फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे, अपना व्लॉग भी आपको दिखाएंगे पूरी आज की हमारी रूटीन क्या है। तो चले अभी चलते हैं, मैं काशी भाई की हेल्प करते हैं। तो कढ़ाई रेडी हो चुकी है, इसके ऊपर काशी भाई ने कुटी हुई सॉरी पिसी हुई काली मिर्चें और जो धनिया जीरा था वो डाला है, हरी मिर्च और हरा धनिया, अब इसको रख देंगे दम पे थोड़ा 10 या 15 मिनट हल्की आंच पे, बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जब गेस्ट आएंगे हम गर्म करके उनके आगे पेश कर देंगे। सही है, ये भी तैयार है। तो 12:05 है और बर्थडे स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम मम्मी को देने लगे हैं गिफ्ट। तो मम्मी ये आपका गिफ्ट, पर हमने पैक नहीं किया, आप खोलना बाबा अपना गिफ्ट। आर यू
वाओ जबरदस्त, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, यही मुझे चाहिए, थैंक यू, वेलकम। तो अब हम जा रहे हैं अम्मी का केक कट करने, ये लोग सेलिब्रेट वो सॉरी डेकोरेट कर रहे हैं। तो भाई अम्मी का हमने केक मंगवा लिया है और ये डेकोरेट भी कर लिया है और अम्मी को देंगे सब। तो अब अम्मी को बुलाने जा रहे हैं, जाओ अम्मी को बुला के ला, आ जाए आ जाए आ जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब अम्मी केक कट करने लगी, तो अभी अम्मी के हम पिक्चर्स ले लेते हैं, तो केक कट करने के बाद आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं कोयटा शाजी होटल, सब खाए हैं, तो हम लोग तो बाइकों पे थे तो हम पहुंच चुके हैं, बाकी गाड़ी हुए थे जो तो वो लोग आ रहे हैं, अभी आए नहीं अब तक। गाइस अभी हमने चाय और पराठे अपने ऑर्डर कर दिए हैं, तो जी जी अच्छा मैं डांटती हूँ अभी शू को, हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। तो गाइस अभी हम ठंड सॉरी अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके व्लॉग एंड करेंगे, सॉरी गाइस काफ़ी देर हो चुकी थी और अब्दुल हनान सो गए, मिशाल भी, और 3 बज रहे, हमारी बाइक भी पंचर हो गई थी। तो खैर अल्लाह करके हम घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी लेट हो गई है, तो व्लॉग आज का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वाला व्लॉग, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के अल्लाह हाफिज़।